ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन सनातन भगवंत प्रेम तत्व सर्वभूतमुलंदु प्रतिबिंबिंचुचुंडाली। सनातन दिव्यता के प्रेम का प्रकाश सभी में प्रतिबिंबित होता है। ये दिव्य प्रेम एक उपहार के रूप में दिया गया है, न कि दुरुपयोग करने के लिए। हमें इसका उपयोग सटीक तरीके से करना चाहिए। अपने हृदय को इससे भर लो, इस प्रेम को दूसरों के साथ बांटो और इस देश को आनंदमय बनाओ। ये प्रेम तत्व की मूल प्रकृति है। लेकिन हम इस सच्चे प्रेम तत्व की प्रकृति को जानने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। संकुचित प्रेम का मन भाविस्तुन्नामु। हम इसे संकुचित भाव से समझते हैं। प्राचीन कालम नुंडि कूडानु मन भारतीय महर्षुलु दीनिनि स्वागतम चेस्तू वच्चारु। प्राचीन समय से ही सिद्ध संतों और ऋषियों ने इस प्रेम का स्वागत किया है। अनिर्वचनीयम प्रेम अनुभवस्तू वच्चारु। अनिर्वचनीयम प्रेम, उन्होंने सिखाया कि प्रेम किसी भी परिभाषा से परे है। यल्लब्ध पुमान इच्छा रामो भवति तप्तो भवति मत्तो भवति आत्मा रामो भवति प्रेमो भवति अन्नारु नारद। नारद ने कहा, इच्छा रामो भवति तप्तो भवति मतो भवति आत्मा रामो भवति प्रेमो भवति। एक बार दिव्यता की स्वयं अनुभूति कर लेने के बाद सभी कुछ स्वयं के ही इस प्रेम तत्व से सराबोर हो जाता है और एकात्म के अनुभव से परमानंद में खो जाता है। सभी कुछ के लिए प्रेम तत्व ही मूल कारण है। ये पदार्थ मन चेसुकुन्नप्पटिकी अन्निंटि यंदुकुनु चक्कर अनेटुवंटि ओक कॉमन मैटर उंडिनप्पुडे आ पदार्थमलो तीपि मनकु गोचरिस्तुंदि। तुम कई प्रकार की मिठाइयां बना सकते हो, लेकिन उनका स्वाद केवल तभी मीठा लगेगा यदि उनमें एक सामान्य पदार्थ शक्कर होगी। कानी ఈ చక్కెరే లేకపోతే మైసూర్ పాకు లేదు, గులాబ్ జామ్ లేదు, బర్ఫీ లేదు, జిలేబీ లేదు, ఏమీ లేదు। बिना शक्कर के तो मैसूर पाक, गुलाब जामुन, बर्फी, जलेबी या कोई अन्य मिठाई नहीं पाओगे। అదే రీతిగాని నైతికము భౌతికము ధార్మికము ఆధ్యాత్మికము అన్నింటి యందు కూడాను ఈ ప్రేమ అనేటువంటి ఒక చక్కెర చేరినప్పుడే దీనికి తగినటువంటి విలువ వస్తుంది। इसी प्रकार नैतिक भौतिक धार्मिक आध्यात्मिक और जीवन के अन्य सभी पहलुओं में इस प्रेम तत्व को शामिल होने पर ही इसका मूल्य होगा। కనుక నీ ప్రేమ నీ హృదయమునందు నిండి ఉంటుండాలి। ये प्रेम तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। నిండిన ప్రేమను నీ వదులుకుంటున్నావు। किंतु तुम उस प्రేమ को त्याग देते हो। రక్తన ప్రవాహించేటువంటి గంగగా ఉంటున్నప్పటికీని నీవు కేవలం మంచు బిందువులకై నీవు ఆశపడుతున్నావు। जब प्रेम गंगा की तरह सतत प्रवाहित हो रहा है, तब तुम छोटी बूंदों के पीछे पड़े हो। ఈ దాహాన ఇచ్చేటువంటిది ఈ గంగా ప్రవాహమే కాని ఈ మంచు బిందువు కాదు। केवल इसी गंगा के प्रवाह का जल तुम्हारी प्यास बुझाएगा, न कि बर्फ की बूंदे। प्रति मानव नियंत्रकुणु कणमनंदुनु अणुनंदुकुणु प्रसरिंचेटुवंटिदि प्रेम प्रवाहमे। प्रत्येक मानव के कोशों और अणुओं में प्रवाहित होने वाला ये तत्व सिर्फ प्रेम तत्व ही है। सर्वत्र अणुस्वरूपमैनटुवंटि प्रेमने। प्रत्येक अणु में सर्वत्र यही प्रेम विद्यमान है। इसी अणु से संपूर्ण ब्रह्मांड का रूप है। अगर अणु नहीं होगा तो यह ब्रह्मांड भी नहीं होगा। अणु स्वरूप में भगवत प्रेम। यह अणु स्वरूप ही भगवत प्रेम है। न केवल एक अणु में। अणु रणीयान महतो महीयान महत्वनंद महत्वगा उंटुंडाली अणुनंद अणुगाने उंटुंडाली। अणोणीयान महतो महीयान यानी अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बहुत वृहत से वृहत में भी ईश्वर संपूर्ण संसार में विद्यमान है। कनुक मन यंदुनिनटुवंटि प्रेम तत्वानि मनं इंकोक चोटकु पोयि संपादिंचुकोनक्कर्लेदु। इसलिए ऐसे प्रेम तत्व को जो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, उसे कहीं भी बाहर ढूंढे जाने की आवश्यकता नहीं है। मानव नीना आफ्टर आउटसाइड उद्योगम चेतनु
వ్యాపారం చేతను ధనమును ప్రోగు చేసుకుంటున్నాడు. మానవ నౌకరీ సే వ్యాపార సే అతులనీయ ధన్ అర్జిత్ కర్ రహా హై. అదే విధముగానే నిజంగా మానవుడు ఆనందాన్ని పొందవలనంటే ఈ యొక్క ప్రేమ చేతనే ఈ ప్రేమ ధనాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. परमानंद की इस भावना की अनुभूति करने के लिए तुम्हें इस प्रेम तत्व को विकसित करना होगा. नीव अनेक प्रेम तत्वानी, नी सत्य तत्वानी, नी धर्म तत्वानी, नीव केवल ओक कंपनी लो नीव पेट्टुकुंटुन्नावु. वास्तव में तो तुमने प्रेम धर्म और सत्य जैसी पवित्र संपदाओं को एक कंपनी में निवेश किया है. इंश्योरेंस कंपनी लो नीव पेट्टुकुंटुन्नावु. तुमने इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश किया है. तुमने अन्य कंपनियों में निवेश किया है लेकिन इन कंपनियों में से कोई भी स्थायी नहीं है. कंपनी सर्वस्व भगवत प्रेम कंपनी इसलिए सर्वस्व को भगवत प्रेम की कंपनी में निवेश करो. नी डिपॉजिट एक्की तब तुम्हारे द्वारा जमा किया गया निवेश कहीं नहीं जाएगा. डिपॉजिट को डबल 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 का तुम्हारा निवेश कहीं नहीं जाएगा बल्कि यह दुगना दुगना और दुगना हो जाएगा. बैंक हृदय प्रेम बैंक इसलिए तुम्हारा हृदय ही वो बैंक है जहाँ इस प्रेम को जमा किया जाना चाहिए. प्रेम बैंक अस्थिर अशाश्वत इलांट बैंक बैंक वहीं दूसरी ओर यदि तुम इस प्रेम को अस्थाई स्थानों में जमा करोगे तो तुम निश्चित ही दिवालिया हो जाओगे. ये कहीं भी चोरी हो सकता है पर हृदय से ये प्रेम नहीं चुराया जा सकता. इंश्योरेंस चेतम लोपला मन इंश्योर अरिश्योर. जब एक बार तुम बीमा की किश्त का भुगतान निश्चित रूप से करते हो तो तुम ये सुनिश्चित कर लेते हो कि तुम इंश्योर्ड यानी बीमित या सुरक्षित हो गए हो. किंतु तुम ऐसे बैंकों में जमा कर रहे हो जो कि अस्थाई है. लेकिन वहाँ क्या इंश्योर है यानी सुनिश्चित है जो स्वयं अस्थाई है. इंश्योर यानी भीतर ही सुनिश्चितता है. तुम्हारे हृदय में निवेश करना ही पूर्णतः सुरक्षित व सुनिश्चित है जो कि स्थायी है. बाह्य बैंक मन को किसी बाहरी बैंक में नहीं. मन प्रेम ये बैंक कट्टुकोवाली. हमें किस बैंक में प्रेम जमा करना चाहिए. हृदय अने बैंक कट्टुकुंटे दीनिकी तलुपुल लेवु बीगमुल लेवु वॉचमैन लेरु. अपने हृदय के बैंक में इस प्रेम को जमा करो. उसमें कोई दरवाजा चाबी या पहरेदार नहीं है. क्योंकि ये सत्य है नित्य यानी स्थायी है और बदलता या डगमगाता नहीं है. अमृत स्वरूप ये अमृत स्वरूप यानी अविनाशी है. समस्त लोग